उस दिन गदार पूरा महीना हो गया इस गल ओदी भैन चर्स बेचती है जिसके साथ आपकी बेटी भागी उसकी बहन चर्स बेचती है चर्स बेची पोडर बेचती है वो फिर लड़कियों को जाके उतना देख आती है गलत काम करवाने को मेरी टीम मिल गया उसे हम सामने पर गांव के बेचते 2-4 लाख लग देगा गांव बेच दे मैं ये कहनी मैं कहनी मेरे इंसान मिल जाए मैं अपने बच्चे को बेचना चाहती मैं मुंशी ने उपर दे रहा मैं उन्होंने मेरा एक मिनट कर लिया मेरा भी जो बड़ा गड्डी करा गया वो फिर बाजी मैं 9,000 रुपये तक गड्डी का कराया 9,000 कराया देकर फिर मैं बच्ची बराबर थाने में लाई रात को अच्छा सुबह थाने दर आया तो बच्ची मेरी शायद करती हूँ थानेदार ने 80,000 रुपये लेके फिर नंबर भी बंद कर दिया और बच्ची भी साइड पे कर दी। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ उस अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है बेशक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। एक बार फिर मैं एक ऐसी स्टोरी के साथ मौजूद हूँ जिसे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। न जाने नाज़रीन हमारे माशरे में ये एक ऐसा ट्रेंड सेट हो चुका है कि बच्चियों को वर्गला के बहला फुसला के उनको ट्रैप करके प्यार के झांसे दिखा के उन्हें अपने प्यार में फंसा के घर से भगा के गलत काम करवाए जा रहे हैं धंधे करवाए जा रहे हैं। पता नहीं उन बच्चियों को ये नज़र क्यों नहीं आता कि जिस माँ बाप ने उनकी परवरिश की इतने प्यार से उनकी परवरिश की जिस माँ ने 9 महीने अपनी बच्ची को अपनी कोख में रखा फिर मौत की वादी में जाके उसको पैदा किया उसकी परवरिश की वो कैसे ही 2 मिनट में किसी के झांसे में आ सकती है। एक ऐसी ही कहानी के साथ नाज़रीन में मौजूद हूँ हमारे साथ एक माँ जी मौजूद है उनसे जानते हैं कि ये सारा वाकया उनकी बेटी के साथ उनके साथ कैसे पेश आया हम उनसे उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये सारा वाकया कैसे पेश आया आपने मुझे बताया कि आपकी बेटी को ट्रैप करके भगा के ले जाया गया या अगवा करके ले जाया गया बकौल आपके। मैं कहनी मैं बीमार से घर आप बीमार थी। हाँ जी मैं दवाई लेने के बच्ची मेरे घर पे इसलिए अच्छा मैंने उधर आधा घंटा लगा लेट हो गई मैं डॉक्टर दुकान पे। अच्छा डॉक्टर डॉक्टर की क्लिनिक पे आपको आधा घंटा लगा। हाँ जी जिस समय मैं घर आई उस समय मेरी बच्ची घर कोई नहीं किसी। अच्छा जब आप गई तब वो चारपाई पे लेटी हुई थी। हाँ जब आप वापस आई तो वो घर पर नहीं घर में है। अच्छा फिर आपने पता किया। मैंने अपने सारे घर पता किया भैन भरावे सारे उन्होंने कहीं दिन नहीं आई। अच्छा फिर मैं जो शाम पै गई 9-8 का टाइम शाम तक मैं हार का मैं बोल पै गई। ये वाकया कब का है कब भी 10 मुहर्रम की गल है शाम की 10 मुहर्रम वाले दिन। हाँ आपकी बच्ची की उम्र क्या है। ये 13 साल उम्र मेरी बच्ची की। बच्ची की 13 साल उम्र है ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जब आपने सबसे पता किया। मैं फिर उस टाइम लबिल वापस घर आ गई मैं एक लड़का जा रहा है उधर जब सामने फैक्ट्री काम करता सामने फैक्ट्री में काम। हाँ जी वो कहता बाजी तेरी लड़की बाँह पकड़ी हुई ले जा रहा है। कौन लेके जा रहा था लड़के को आप जानती हैं लड़के को। इरफान। इरफान हाँ जी आप उस लड़के को जानती हैं आप उस लड़के हाँ को पहले मिली हुई हैं। मेरे घर के सामने काम करते थे। घर के सामने क्या काम करते फैक्ट्री में। वो घर के सामने किस चीज़ की फैक्ट्री है। डोरी के काम करते हैं प्लास्टिक की डोरी बांधती है। अच्छा प्लास्टिक की कोई डोरी। हाँ अच्छा वहाँ पे वो काम करता है आपने हाँ उसको देखा हुआ। हाँ बाबा काफी देर काम करते हैं। अच्छा फिर आपको किसी ने बताया कि वो काम करता था उन्होंने तेरी बच्ची बाप पकड़ के ले जा रहा है बाजू पकड़ के लेके जा रहा है घर पास जा रहा है। बच्ची खुद जा रही थी उसके साथ ये नहीं पता वहाँ पे गई वो जा रहा है उनका रास्ता बाप खड़ी हुई हाँ ले जा रहा चुप करके। अच्छा तो मैं उनके घर गई हूँ तो उसके घर आप कैसे गई हैं उसके घर का आपको पता था। हाँ पता है आपको और उसके घर में आना जाना था। नहीं नहीं मैं 10 मिनट का घर पिछली गली नाल का आ रहा था उसका। आपने किससे बताया किया उसके घर का। मैंने उस मुंडे ने बताया था ना जिसने आपको बताया है। हाँ। कि वो अपनी आपकी बच्ची को लेकर उसका घर ना ही गया उस पता कर लो घर ना हो गई। अच्छा तो मैं जिस समय घर गई उस समय मुंडा को ना कुड़ी घर गई वो वालदा घर से मैं पूछा मैं तेरा बेटा कितने गया आदि बाजी मैंने नहीं पता बाहर निकलिया होने। अच्छा मैं उनके घर बह गई हूँ मैं कहा तेरे बेटे ने बुला लो मेरी बच्ची लै गए बाँह फाड़ के। अच्छा कहनी अच्छा मैं पता कर दी हाँ मैं रात का टाइम होगा पता कर दी उस तो उन्होंने घर बैठी मैं उन्होंने कोई गल नहीं कितने गया कितने नहीं गया कहनी बाजी मैं तो आप बीमार पई हाँ वो माँ कह रही सान नहीं पता कितने गया। अच्छा फिर मैं वापस अपने घर आई हाँ फिर अपने भैन नाल लै गई वीडी आप अपनी बहन को फिर दोबारा उसके घर लेके गई। मैं उनके वैसे पूछा मैं कसम चुप कसम दाद बच्ची कितने गई। अच्छा उनका सन कुछ नहीं पता था उसकी माँ कह रही। क्या आपने अपनी बच्ची को मोबाइल दिया हुआ था। नहीं मोबाइल तो क्या बच्ची के साथ उसकी पहले से बातचीत थी। मैं कहा मैं कोई नहीं देखा उसके साथ मोबाइल आपने कभी नहीं देखा उसको बात करते हुए। आप क्या करती हैं। मैं घर के काम करती हूं बर्तन। आप घर का काम करती हैं आपके शौहर क्या करते हैं। मेरा शौहर छोड़ के चला गया। मैंने कब छोड़ के चला गया। उसने 3 साल बच्ची थी मेरी। नाज़रीन ये सिंगल पेरेंट हैं जिन्होंने अपनी बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया जब बच्ची 3 साल की थी और बच्ची ने एक माँ के साथ क्या किया। फिर माँ जी की तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं माँ जी फिर क्या हुआ। फिर उस बाजी ने पूछा ऐसे क्या भी बाजी मैंने कहा चुप कर सू बच्ची दे दो यही बेहतर आया।
ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਲੜਕੀ ਕੀ ਵਾਲਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਮਗਰ ਚੜਿਆ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੋ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ 3 ਭਰਾ ਸੀ 3 ਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹਿਣ ਹੈ 3 ਦੇ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ 3 ਬਹਿਣ ਹੈ ਔਰ 3 ਭਾਈ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਲੱਗੀ ਉੱਠ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਸਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲੱਭ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੋ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹ ਕਚਹਿਰੀ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹਾਂਜੀ अच्छा ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने FIR दर्ज करवाई है और ये सब चीज़ें करवाई हैं नाज़रीन ये वो चीज़ें हैं ये आप देख सकते हैं ठीक है सम टाइम टाइम दे जा रहा सी अच्छा टाइम पे टाइम दे हाँ जी अच्छा जाने लब के लगने अच्छा जाने तू जा घर तो टेंशन ना ले तेन बच्ची मिल जाएगी ठीक है उस दिन गदार कर पूरा महीना हो गया इस गल ठीक है फिर उस जाके बच्ची बरामद की मुंडे के घर से बहन के घर अच्छा लड़की आप आपकी बेटी आपको उस लड़के की बहन के घर से मिली किसने बताया उसका पहन था कर उसे बट्टे चौक का अच्छा उसकी बहन का घर बट्टा चौक आरे बाजार आरे बाजार असि गए ते जाके देखा बच्ची सुती पई है आपकी बेटी हाँ जी अच्छा उसकी बहन नाल पई लम एक को चार पई दोनों पियां लम मैं कहूं उठाया बच्ची ने उठ के बैठ गई है आपकी एक ममता नहीं जागी होगी वहां पे कि मैं यहां पे तड़प रही हूं और मेरी बेटी यहां पे रोड पे टंग रही हां उसकी भैन मेरे लड़ ला पी मेरे मैं कहा तू मेरे चल मेरे ना उसकी भैन के जा धक्के मैं बाहर काटते चल निकलो बाहर आपकी बेटी के सामने वो आपको धक्के दे रही हाँ जी उसकी भैन चलो निकलो बाहर फिर मैं उससे फिर बंद कल की थी मैंने उन बुलाया फिर भाई आए उनका भी ठाना नहीं उसको बुलाओ असि उनकी तब उनकी तब मैं भाई बच्ची बरामद हो गई है उसने नंबर बंद कर दिया थानेदार ने नंबर बंद कर दिया हाँ जी। जब आपने थानेदार को कॉल की कि बच्ची मेरी बरामद हो गई है हाँ आप आ जाएं ये लोग मुझे धक्के दे रहे हैं तो उसने थानेदार ने नंबर बंद कर दिया ऑफ कर दिया हाँ जी फिर मैं उस फिर से वापस आई हां अच्छा जो मुंशी ने ऊपर दे रहा मैं उन्होंने मेरा एक मिनट में कल्या मेरा जो बड़ी गड्डी करा के गड्डी करा के लाइयो तो बच्ची बरामद कर लिया उसने वह बाजी मैं 9000 रुपये तक गड्डी कराया कार वाले को 9000 करा दे के फिर मैं बच्ची बरामद थाने में लाए रात को अच्छा सुबह थाने दरा तो बच्ची मेरी शायद करती उन्हें थानेदार ने बच्ची को छुपा दिया थानेदार ने बच्ची को छुपा दिया असि उन्होंने कहा सर बच्ची समय का उनका तू शायद तो ही हो तो कितने पैसे लिए आपसे टोटल कितने पैसे लिए पुलिस मेरे को 80000 रुपये लिया किसने लिया आपसे थानेदार ने थानेदार ने 80000 रुपये लेके फिर नंबर भी बंद कर दिया और बच्ची भी साइड पे कर दी हाँ जी अच्छा फिर मैं कहा भी हूँ कोई हाल नहीं हो सकता मैं थक दुख मार के बह गई मैं रोन पिटन ला पी हूँ मैं बड़ा रोई कलाई उठी मैं मेरा कुछ नहीं उन्होंने कहा भी तेरी बच्ची बयान कर गई है ऐ तेरे का आगे फेल हो गया बच्ची ने क्या बयान किया उसने बयान किया ना थानेदार ना और ये नहीं पता उन्होंने की किया कि नहीं चक्कर किया थानेदार ना सारे सामने बच्ची नहीं लैती उन्होंने सू उस बाद थाने नजर नहीं आ रहा सामने वो भैन चर्च बेच दी है किसकी भैन मुंडे की भैन इरफान जिसके साथ इरफान नाम है उसका जिसके साथ आपकी बेटी भागी उसकी बहन चर्च बेचती है चर्च बेची पाउडर बेचती है अच्छा। वो फिर लड़कियों को जाके धंधे कराती है लड़कियों को जाके उनसे धंधे करवाती है उनसे गलत काम करवाती हां जी गलत काम करा रही है आपको किसने बताया कि वो लड़कियों से धंधा करवाती है वो चर्च बेचती है लड़कियों को बेचती है मोहल्ले वालों ने बताया कभी उसके खिलाफ FIR नहीं कटवाई ना कभी कोई कंप्लेन नहीं की नहीं नहीं असि गए पहली बार ऐसा नहीं पता गया अच्छा समझ दस ने तुम तलाक की तेरी बच्ची उन्होंने घर गई गलत काम करवाने मेरी टीम लग गया आपकी बच्ची को गलत काम करवाने के लिए लेके गए हैं सामने पर गांव के वेच दे 2-4 लाख लग देगा गांव वेच दे उन्होंने मर्जी है मैं ये कहनी मैं कहनी मेरे इंसाफ मिल जाए मैं भी बहुत थक चुकी मैं भी किसी को पैसे चुक के काम खर्चा कर रही हूँ इन्ना मैंने बुलाया इन्ना मैंने कहा तुम तुम रोटी बस मैं 2-3 मिनट में दे चाहिए किराया बस मेरे कोई पैसा मेरे को नहीं है इन्ना मैंने कहा जब तुम तुम आओ चल के तुम किराया सदान है तो मैं की करा मेरे को रोटी पैसे भी कोल नहीं है मैं की कर सकती मैं साफ चाहिए मैं अपने बच्चे को बेचना चाहती मैं आप हिम्मत नहीं आ रहे हम आपके साथ हैं आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा आपको मिलेगा आप सिंगल पेरेंट हैं हम जानते हैं आप चुप हो जाएं जी नाज़रीन ये थी एक ममता की दर्द भरी कहानी मैं दरख्वास्त करती हूँ उन पुलिस वालों से उस गवर्नमेंट से उन समाजी इदारों से जो कि
एक माली इस्तेदात रखते हैं, इनकी मदद करें। पुलिस वालों से दरख्वास्त करती हूँ कि इनकी मदद करें, जो सही है उसको मंजर आम पर लाया जाए, इनको इंसाफ दिलाया जाए। इनके पास एक रुपया नहीं है, इनके पास घर दो वक्त के खाने के पैसे नहीं हैं। अभी भी मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि हम इनकी हेल्प करें, मेरा कहने का मकसद ये है कि इनकी हेल्प की जाए, वो अदारे इनकी हेल्प करें जो माली इस्तेदात रखते हैं ताकि अपनी बच्ची के लिए स्टैंड ले सकें। माशरे में गलत ट्रेंड सेट हो चुके हैं कि बच्चियों को वरगला के झांसा दे के उनको बेचा जा रहा है। अपने बच्चों पर नज़र रखें, खुदारा अपने बच्चों पर नज़र रखें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।